हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल हेलो हाय एंड उई और दुनिया में जितने भी हेलो हैं सलाम है दुआ है सब आपको दुआएं ढेर सारी। अच्छा मेरा दो वीडियो मैंने किया था, कुछ गड़बड़ हो गई थी, साउंड में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो मैंने साईं बाबा के बारे में बताना चाह रही थी कि आज मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि साईं बाबा से मुलाकात कैसे हुई। और सामने ही उनकी फोटो लगी रहती है और मुझे ऐसा लगता है ऐसे मुझसे बातें कर रहे हैं, मैं उनसे हर वक्त बातें करती रहती हूँ, तो शायद वो मेरा वीडियो लोगों की आवाज ना गई हो प्रॉपर से। तो उनके बहुत सारे मिरेकल्स मेरे साथ हुए हैं और कोई एक मिरेकल नहीं हुआ है, मतलब डेली बेसिस पे अगर आप अगर बाबा के साथ अटैच टू डेली बेसिस पे तो आपके साथ मिरेकल्स होते ही चले जाएंगे। तो एक क्या एक बताती हूँ मैं छोटा सा। एक मेरी कस्टमर थी जब मैं सलून में अपने सलून में काम कर रही थी, तो वो एक स्पैनिश है तो बहुत पुरानी कस्टमर थी, तो वो हमेशा मेरे साथ बहुत प्यार से और बहुत अच्छे तरीके से बात करती थी, दोस्ती टाइप थी उसके साथ। तो एक दिन आई तो बड़ी बुझी हुई थी, तो मैंने पूछा कि क्या तुम आज बहुत अफसरदा सी हो, तो उसने कहा कि मेरी बहन के यहाँ बेटी हुई है, अभी हॉस्पिटल में है, अभी बेटी हुई है और उसके दिल में छेद है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा बड़ा अफसोस की बात है, तो फिर अब क्या डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, तो कहने लगी कि डॉक्टर तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं और बड़ी परेशानी हो गई है घर में और बच्चे के बचने के जो है चांसेस बहुत कम है। फिर मैं काम करते करते मैं दिया जलाती रही हूँ और क्या नाम है अगरबत्ती जलती रहती थी, या एक वो मिलता है मुझे उसका नाम नहीं आता, तो वो जलाना करती थी मैं जिससे खुशबू फैलती है, और मैंने शिरडी से ही लिया और कुछ अगरबत्ती उसकी उदी बन गई थी। तो मैंने कहा अगर तुम मुझे ट्रस्ट करती, उसने कहा हाँ मैं तुम्हें ट्रस्ट करती हूँ, मैंने कहा कितना, कहती बहुत ज्यादा, मैंने कहा ठीक है फिर तुम मेरे ट्रस्ट पे अगर ट्रस्ट करती हो तो फिर ट्राई करोगे। मैंने वहां से उदी निकाल के दी और मैंने कहा कि जब डॉक्टर्स ना हो तो बच्ची को थोड़ा सा दूध में मिला के उसको पिला दो और उसको पूरे बॉडी पर भी लगा दो और बस चुप रहना, किसी को बताना मत, मैंने कहा अपनी बहन को भी शायद ना बताना तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसने बहुत सच्चे दिल से वो लिया और अप्लाई किया, हॉस्पिटल गई, होप लेके गई थी, बड़ी पावर थी उसकी होप में। मेरे देने में इतना मैं क्रेडिट नहीं दूंगी, मैं उसको क्रेडिट दूंगी कि वो उसने मेरे विश्वास मेरे भरोसे को अपना भरोसा समझा और वो जाके थोड़ी सी उदी जो थी वो बच्चे को पिला दी दूध में, जो भी वो पिला रहे थे उसमें डाली और उसको पिलाया, फिर उसको बॉडी पे लगाया और विदिन 7 days द होल वॉज कवर्ड, बच्ची हेल्थी होके वापस आ गई। वो 10 days के बाद मेरे पास आई और उसने आके मुझे बताया कि मिरेकल हो गया। मैंने कहा फिर गुरु को सलाम, सत सलाम, करोड़ों सलाम एक्चुअली। तो ये साईं बाबा ऐसे ऐसे मिरेकल्स करते हैं कि आप तो सब्र भी नहीं कर सकते, हिलाने हिला के रख देता बंदे को। वो क्या करते हैं, और करोड़ों लोग हैं जिनके साथ वो मिरेकल्स करते हैं आज के दौर में, आज अभी इसी वक्त। तो एक दफा कॉल करें, लेकिन वही कॉल करें जिसका दिल अच्छा है, जिसकी नीयत अच्छी है, जो लोगों के साथ अच्छा बिहेव करता है, बाबा फौरन उसके पास जाते हैं और अगर वो प्रॉब्लम में हो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो मेरा पैगाम यही है कि उनको उनसे मांगने की कोशिश ना करें, उनके पाथ पर चलने की कोशिश करें, तो बाबा 24/7 आपके साथ फॉरएवर रहेंगे, जब तक आप जिंदा रहेंगे वो आपके साथ ही चलते रहेंगे। और ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है और बहुत सारे वाकया तो मैं आपको शेयर करूंगी।